जोमैटो कहती है कि यार जब हम कभी कभार आपको 50% डिस्काउंट ऑन ईच ऑर्डर देते हैं तो हर 3 महीने में हम खुद का 350 करोड़ रुपए का लॉस करवाते हैं। पेटीएम कहती है कि जब जब हम आपको कैशबैक देते हैं तो हम भी एक साल में खुद का 1700 करोड़ का नुकसान करवाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार अगर इतना लॉस होता ही है तो ये कंपनीज इतने पैसे और एडवर्टीजमेंट्स में क्यों नहीं लगा देते, जब पता है कि लॉस होने वाला है तो जानबूझ के पैसे और क्यों गंवाते हैं। अगर मैं आपको इसका शॉर्ट आंसर दूं तो वो है आदत लगाना। अब आप खुद बताइए, आप अपने फोन का रिचार्ज मोस्टली कहां से करवाते हैं? आप में से बहुत का जवाब पेटीएम ही होगा। लोग अब दुकान में जाने के वजह अपने साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स का भी रिचार्ज खुद ही ऑनलाइन करवा लेते हैं। शुरुआत की लोगों ने कि भाई कैशबैक मिलेगा, ऑनलाइन ही रिचार्ज करवा लेते हैं, और फिर अगली बार कैशबैक नहीं भी मिला तो कंटिन्यू करते हैं इस ऐप को यूज करने का। सेम केस है अमेज़न का। अमेज़न कहती है कि यार मुझे मतलब नहीं है कि तुम दूसरे ऑनलाइन शॉपिंग से कैसे पेमेंट करते हो, मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर आप अमेज़न से शॉपिंग करते हो तो आप अमेज़न पे का यूज कर लो, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा कैशबैक भी मिलेगा। अमेज़न ने भी बाकी कंपनीज की तरह अपना भयंकर लॉस करवाया और जब लोगों को आदत लग गई तो कैशबैक देना बहुत ही कम कर दिया।